हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि रात को सोने से पहले आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। मुझे पता है आप लोग बड़े जो है समझदार हो, है ना। तो आप लोग को पता है कि आप लोग को जनरल रीडिंग मतलब कि जनरल रीडिंग की तरह ये देखना है आपको सीरियसली, या अपने ऊपर ही सारे पॉइंट्स को जो है नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि समझदार के लिए सारा काफ़ी है ना। और जो लोग बेवकूफ़ बन करके नीचे कमेंट करते हैं, मैं उनको क्या बताऊँ, है ना। देखिए, इमोशनल होना सही है, बट इमोशनल होकर के कुछ गलत बोलना कमेंट में, है ना, वो गलत है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, है ना। तो वैसे ही लीजिए आप, है ना। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोचते हैं रात को सोने से पहले आपके बारे में। ठीक है, कार्ड्स आपके सामने हैं, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। एक एक करके कार्ड निकालूंगी, 5 कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम टैरो कार्ड से देखेंगे। ठीक है, रात को क्या सोचते हैं सोने से पहले ये। ओके, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड, डेडिकेटेड एफर्ट, शाइन, लिसन एंड लास्ट कार्ड निकालते हैं यहाँ, चूज योर बैटल्स। ओके, सो कार्ड्स आपके सामने हैं, कार्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं आपको। एक एक करके कार्ड्स के बारे में बताना चाहूँगी आपको। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं रात को सोने से पहले, सबसे पहले तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस होकर के सोचते हैं। ठीक, बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर के सोचते हैं ये पर्सन, क्योंकि फोकस होकर के ये पर्सन को लगता है कि अगर मैं सोचूंगा तो शायद जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं मुझे, वो चीज़ें भी समझ में आने लगे, है ना। तो ये पर्सन की थिंकिंग मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की थिंकिंग है आपके लिए कि चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, चीज़ों को अब लाइटली नहीं ले रहे हैं, अब सीरियसली लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने इनके कहने के ऊपर, ये पर्सन जो भी कहते हैं वो आप करते हो, चाहे जो भी इनका डिसीजन रहा आपने उनको मान लिया, और इस पर्सन से कोई क्लैरिटी नहीं मांगी कभी। तो ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि यार मेरा पार्टनर कितना, मतलब मेरे लिए कितना कुछ करता है या करती है। ठीक है, विश्वास और एक दूसरे के साथ अटैचमेंट, है ना, वो दोनों मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। ये पर्सन रिलेशनशिप को, जो आप दोनों का रिलेशनशिप अभी बिगड़ गया है उस पे ये पर्सन वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप को ये जितना खूबसूरत बना सके, चाहे जितना टाइम लगे, चाहे जितना इनको एफर्ट डालना पड़े, लेकिन इस रिलेशनशिप को जितना खूबसूरत ये पर्सन बना सकते हैं उतना बनाने के लिए ये पर्सन अपना जी जान लगा देंगे, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को लगता है कि ये जो इतना टाइम से एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है, ये एफर्ट इनका दिल से नहीं था, इनका एफर्ट उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से होना चाहिए था। तो अब जो है इनको दिल से आपके लिए वर्क करना है, आपके लिए जो भी है एफर्ट डालना है, ठीक है, आपके लिए अपना जी जान, है ना, सब कुछ लगा देना है इस पर्सन को।
मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से है ना मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। इस रिश्ते के रिगार्डिंग इनके जो भी मन में चीजें हैं, इसमें ये पर्सन हमेशा ही एक होता ना कि जंग करते रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर आपको लेकर के हमेशा ही कुछ ना कुछ इनके माइंड में चलता रहा है। और ये जो पर्सन है आपके, ये पर्सन को मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे कि इस पर्सन को काफी टफ लगा है, ठीक है। जब भी ये पर्सन ने आपके बारे में सोचा है तो इनको टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, ये भी मुझे दिख रहा है कि इनके लाइफ में टफ साइकिल आई है और ये पर्सन टफ साइकिल से गुजरे हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स मुझे क्लियरली दिख रही हैं। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, अभी फिलहाल में देखूँ तो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको जो है चैनल होती हुई दिखाई दे रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये पर्सन पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको कभी कभी ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि आप तंत्र मंत्र भी हो सकता है कि जानते होगे, ये विद्याएं भी होती हैं जिससे हम इंसान को कंट्रोल करते हैं या सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं, ये पर्सन की एनर्जी दिखा रही है कि ये पर्सन जो है आपके करना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके लिए करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके लिए कर सकते हैं, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके लिए ये पर्सन की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ कि इनको एक मैं देख पा रही हूँ कि इनको सेक्सुअल फीलिंग्स भी आ रही हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं उन सेक्सुअल फीलिंग्स को पीछे रख रहे हैं और आपके बारे में आपको समझने की कोशिश ज्यादा हो रही है। साइन का कार्ड है, आपके पार्टनर को आपका जो कहता है ना कि आपका हाव भाव पता है इनको, यानी कि आपका पूरे तरीके से इनको पता है कि आप के साथ है ना फ्यूचर कितना खूबसूरत हो सकता है या कितना खराब हो सकता है ना। ये पर्सन को पूरी तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं, ये पर्सन की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ फ्यूचर ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाइन का कार्ड है ना, कुछ भी हो बट फ्यूचर अगर आपके साथ होना तो ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अर्न किया जा सकता है। अर्न करने का मतलब ये है पैसे नहीं, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें अर्न किया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल वाइज और पर्सनली मेंटली जो स्ट्रेस है ये ख़त्म हो जाएगा इनका, इनको पता है, ठीक। क्योंकि आप एज अ हीलर भी इनके लिए वर्क करते हो, ठीक है, आपको पता नहीं है कि आपके अंदर हीलिंग पावर है, हीलिंग एनर्जी है, ठीक, लेकिन इस पर्सन को पता है, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं हम। द हाई प्रिस्टेस, मैंने कहा ना द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी फिर आ गई, पहले भी आई थी द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी और फिर से आ गई। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इनको पता है कि आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसी पावर है, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी ज़रूर है जिससे आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर है जिससे आप अपने लव लाइफ को मतलब सही करना चाहते हो और उसके लिए आप एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है, और बहुत सारी बातें छुपा भी रहे हो इनसे, क्लियर नहीं बता रहे हो। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आप जो है ना आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं कि वो भी अपनी लाइफ में खुश तो नहीं होगी या खुश तो नहीं होगा, वो उसकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ इधर उधर चलता हुआ चल ज़रूर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी है, यानी कि आप भी अपनी लाइफ में जगलिंग कर रहे हो, आप भी अपनी लाइफ में कोई खुश नहीं हो, आप भी अपनी लाइफ में कोई बड़े अचीवमेंट में आपको नहीं मिले हैं,
आप भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या तो जूझ रहे हो या तो मेंटली जूझ रहे हो, लेकिन जूझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि यार कर्मा अगर सही होता हमारा, हम दोनों का कर्मा अगर सही होता तो आज हम दोनों एक दूसरे के साथ होते, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते, हम दोनों कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं सोचते या एक दूसरे के जो है एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यूनिवर्स का पहिया घूमेगा ज़रूर, यानी कि ये जो साइकिल है ये घूमेगा ज़रूर और हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ज़रूर, ये मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरे अंदर की कह सकते हैं कि मेरे अंदर का जो है बोल रहा है कि हाँ तेरा और तेरे पार्टनर का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन को काफ़ी तकलीफ भी हो रही है, काफ़ी दर्द भी हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया या आपको धोखा दिया या आपको आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है, आपके विश्वास को सबसे पहले तो इस पर्सन ने तोड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस पर्सन ने आपसे छुपाई हैं और आपको पता भी चली हैं, आपको पता चली हैं तो आपका भी दिल दुखा है। और अभी जो है फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि मैंने उसका भी दिल तोड़ा और अपना भी दिल तोड़ा, दोनों का दिल टूटा है। द हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन सोच रहे हैं किसी से बात करने की, किसी ऐसे पर्सन से जो कि या तो इस राह से गुजर चुका है या उसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है या वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि इनको नीड लग रही है हीलिंग की, ठीक है। काउंसलिंग करना चाहते हैं ये पर्सन खुद की, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं ये पर्सन खुद की, काउंसलिंग करवा के ये पर्सन जो है काउंसलिंग करवा के ये पर्सन जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं, रिलेशनशिप की हीलिंग करना चाहते हैं और ये पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को आपके साथ मतलब शादी करनी है। टेन ऑफ कप्स, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली, इसमें आप हो, आप दोनों के बच्चे हो, साथ में आप दोनों इंजॉय करें, आप दोनों के बच्चे इंजॉय करें, आप दोनों बहुत ही खूबसूरत से पल एक दूसरे के साथ बिताओ, ठीक है। ये पर्सन की थिंकिंग मुझे ये दिखाई दे रही है, ठीक है, ये पर्सन की थिंकिंग मुझे ये दिखाई दे रही है। और ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काश ये वक्त आता, ये ऐसा होता कि हम दोनों एक दूसरे के साथ आते और हम दोनों एक दूसरे के पास आते, ठीक है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब इनका नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे इसी कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए सोच तो ज़रूर रहे हैं, बट यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने जो गलती करी है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। ये पर्सन रो रहे हैं अपने कर्म पे, अपने धोखे पे, जो इन्होंने माइंड गेम खेला था उस माइंड गेम पे ये पर्सन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट एक्शन लेने के बाद मतलब नेक्स्ट एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, चलो ये पुरानी बातें भूल जाने को तैयार हैं, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई इन्होंने किया, आपने किया, इन्होंने आपका दिल तोड़ा या आपने इनका दिल तोड़ा, ये पर्सन भूल जाने को तैयार हैं, ठीक है, भूल जाने को तैयार हैं। और ये पर्सन जो है अब आपकी लाइफ में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, अब आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आना चाहते हैं ये पर्सन, अब आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आ करके इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ नेक्स्ट एक्शन लेकर के, क्योंकि आप इनकी ड्रीम हो और अपने ड्रीम को हर कोई पूरा करना चाहता है, वैसे ही आपके पार्टनर भी पूरा करना चाहते हैं। सो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपके
आपके साथ आने में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ अपने सपनों को पूरा करने में इंटरेस्टेड हैं। आपके पार्टनर आपके साथ है ना, आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू तो करना चाहते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपको 9 डेज में दिखेगा, 9 वीक्स में दिखेगा, ठीक है, किसी किसी के लिए 9 मंथ भी लग सकता है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।